दैट देर आर थ्री को नॉर्मल पॉइंट अन दैराबोला से ए बी एंड सी एट विच द नॉर्मल आर कॉन्करेंट एंड द समेन ऑफ स्लोप ऑफ कॉन्करेंट नॉर्मल इज जीरो दैट इज वाई द समेसन ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ दिस थ्री पॉइंट इज ऑल्सो जीरो क्योंकि इस क्यूबिक में एम स्केर का कोई नहीं है जीरो है इसका मतलब है कि सम ऑफ रूट इज जीरो समेसन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट इज टू ए माइनस एच बाई एंड प्रोडक्ट ऑफ आल थ्री रूट इज माइनस के बाई ए दिख रहा है सबको यस yes, तो यहां से और क्या क्या हम कर सकते हैं ये तो तीन बातें हो गई अब एक बात ये भी कभी कभी ऐसे बोल देते हैं कि अगर ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करो तो एक ट्रायंगल बनेगा बनेगा और इस कॉन्करेंट नॉर्मल पॉइंट जो है को नॉर्मल पॉइंट से फॉर्म होने वाला जो ट्रायंगल है उस ट्रैंगल का सेंट्रोइड एक्सिस ऑफ पैराबोला पे लाई करेगा तो वो भी लिख सकते हो सेंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल ज्वाइनिंग पॉइंट्स लाइज ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला कैसे भाई कैसे बोला ये क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि उस सेंट्रॉयड का x y कोऑर्डिनेट क्या होगा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड क्या होगा मान लो इसका सेंट्रोइड जी हाँ तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो अब किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जीरो है मतलब वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है और x एक्सिस क्या है पैराबोला की एक्सिस है एक और बात तीसरा पॉइंट प्रॉपर्टी नंबर थ्री लिखूं मैं थर्ड प्रॉपर्टी लिखो ये दो प्रॉपर्टी yes, ये दो प्रॉपर्टी आप नोट कर चुके इसको मैं हटा दूस yes. या मैं अगले पेज पे लिख देता हूं कोई दिक्कत नहीं तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा राइट इट डाउन प्रॉपर्टी नंबर थ्री नेसेसरी कंडीशन नेसेसरी कंडीशन दैट थ्री नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम पी एचकॉमा के आर रियल एंड डिस्टिंक्ट अगर उस पॉइंट एच कॉमा के से तीनों नॉर्मल रियल एंड डिस्टिंक्ट है क्यों क्योंकि हमने क्या बात करी कि हो सकता है कि एक रियल और दो नॉन रियल नॉर्मल हो।, हो सकता है कि तीनों रियल रूट आ जाए उस क्यूबिक के तो तीनों रियल रूट है इसकी क्या कंडीशन है तो उसके लिए देखो हम बोल रहे हैं क्या कि एम वन और एम टू और एम थ्री तीनों क्या है रियल है अगर ये तीनों रियल है बेटा तो एक बात बताओ कि रियल नंबर का स्क्वेयर्स का सम हमेशा पॉजिटिव आएगा यस yes, Yes, कि, किसी भी रियल नंबर का स्केयर नेगेटिव तो हो नहीं सकता है जीरो हो सकता है लेकिन तीनों अलग अलग है तो तीनों तो जीरो नहीं हो सकते इसलिए स्केयर का सम हमेशा पॉजिटिव आएगा इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं एम वन प्लस, M2 प्लस M3 का होल स्केयर माइनस टू टाइम्स बोलो एम वन एम टू प्लस एम टू एम थ्री प्लस एम थ्री एम वन और ये पॉजिटिव आना चाहिए बोलो सर नो यस yes, सर ये चीज तो जीरो है भाई और ये समय सना प्रोडक्ट एट ए टाइम आपको पता है क्या होता है वेरी गुड और ये चीज हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए इसका मतलब है इसका मतलब है कि माइनस टू से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा टू ए माइनस एच अपॉन ए क्या आना चाहिए नेगेटिव बोलो या सर और यहां से yes, sir. दो बातें यहां से दो बातें आएंगी भाई अगर ए पॉजिटिव है मतलब अगर तुम्हारा पैरा बोला राइट की तरफ ओपन हो रहा है ऐसे तो ऑब्वियस सी बात है कि रेशियो नेगेटिव है तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए अरे भाई दो नंबर का रेशियो नेगेटिव आ रहा है डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो डिनोमेटर नेगेटिव होगा ना अपोजिट साइन होगा ना ये अगर ये प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए तो टू ए माइनस एच लेस जीरो आएगा एच इज ग्रेटर देन बोलो या ना यस सर सर इसका मतलब है कि जिस पॉइंट से यहां देखो फोकस होता है फोकस होता है ए जीरो और इसी से उतरे आगे जाओ तो यहां आता है टू ए जीरो तो ये जो टू ए जीरो वाला पॉइंट है इसके राइट में होगा वो पॉइंट अगर किसी पॉइंट से तीनों नॉर्मल रियल हैं तो वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इससे राइट में इस शेडेड रीजन में लाई करना चाहिए और अगर ये नेगेटिव है तो आ जाएगा एच लेस देन टू ए कब कब आएगा जब ए नेगेटिव होगा क्योंकि जब ए नेगेटिव होगा डी नेगेटिव होगा तो न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा तो टू ए माइनस एच ग्रेटर लेस देन टू ए आ जाएगा तो ये बात भी याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि अगर पैराबोला पीछे की तरफ ओपन हो रहा है ऐसे तो टू ए तुम्हारा ए यहां आएगा ए जीरो इधर होगा तो टू ए जीरो इधर होगा तो इसके लेफ्ट में आना चाहिए है ना सिमेट्री से हेलो कितनी बात समझ में आ गई यस सर ठीक है अब तीसरी जो बात है ना वो आप मैं अभी देखो इससे हमने क्या बोला हमने बोला कि अगर तीनों नॉर्मल रियल हैं तो ऐसा होना चाहिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जब जब ये बात होल्ड करेगी तो तीनों नॉर्मल रियो होती है कभी मत बोलना कि अगर कोई पॉइंट यहां लेंगे तो इस पॉइंट से हमेशा तीन नॉर्मल ड्रॉ होंगे नहीं अगर तीन नॉर्मल ड्रॉ होंगे तो पॉइंट इस रीजन में होना चाहिए लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि इस रीजन के हर पॉइंट से तीन नॉर्मल होंगे ऐसा नहीं है ये नेसेसरी कंडीशन है इट इज नेसेसरी कंडीशन बट नॉट नेसेसरी बट नॉट ये जो कंडीशन आप लिख रहे हो ना ये तीन नॉर्मल होने की तीन रियल नॉर्मल की नेसेसरी कंडीशन क्यों सफिशियंट नहीं है मैं आपको दिखा रहा हूं भाई ये कंडीशन आई कहां से ये कंडीशन आई कि तीनों स्क्वायर का सम पॉजिटिव है, तीनों रियल है तीनों स्लोप रियल है तो उनके स्क्वायर का सम पॉजिटिव होगा लेकिन अगर तीन नंबर के स्क्वायर का सम पॉजिटिव है तो वो तीनों नंबर रियल होंगी ये गारंटीड नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि m की वैल्यू आयोटा है m1 वन की और m2 टू की वैल्यू माइनस आयोटा है और m3 की वैल्यू टू है अब तीनों को स्क्वायर करके ऐड करो एम वन आयोटा का स्क्यर एम टू माइनस आयोटा का स्क्यर और एम थ्री तीनों को सम करोगे तो क्या आएगा क्या आएगा जल्दी बताओ आयोटा स्क्यर इज माइनस वन माइनस आयोटा स्क्यर इज ऑल्सो माइनस वन और ये फोर फोर में से टू गया तो क्या है टू और टू क्या है पॉजिटिव तो मैंने आपको तीन नंबर दिखाई तीन स्लोप्स दिखाई जिसमें से दो स्लोप इमेजनरी है और एक रियल है फिर भी उनको स्केयर करके सम पॉजिटिव आ गया मतलब अगर तीनों स्लोप रियल हैं तो h ग्रेटर होगा लेकिन अगर h ग्रेटर है तो तीनों स्लोप रियल हैं यह जरूरी नहीं है इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यह कंडीशन नेसेसरी तो है बट सफिशियंट नहीं है कितने लोगों को बात समझ में आ गई ये सनो यस yes, yes, अब अब सफिशियंट कंडीशन क्या है उसमें कैलकुलस यूज होती है ठीक है सफिशियंट कंडीशन में कैलकुलस इस्तेमाल होती है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा मुझे पता नहीं है कि कैलकुलस का कितना पोर्शन आपने किया हुआ है तो थोड़ा सा आइडिया दूंगा देखो ये जो आपका क्यूबिक था ना वो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था एम क्यूब प्लस टू ए माइनस एच इन टू एम प्लस के जीरो है ना यही था तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है एम में और आपको पता है कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनामियल का ग्राफ ऐसा होता है ऐसा ग्राफ है तो तीनों रूट रियल है और ऐसा ग्राफ है तो एक रियल रूट है और दो नॉन रियल रूट है तो आप क्या करोगे आप अगर किसी पॉलिनामियल का तीनों रूट रियल है जिसका मतलब है कि उसके डेरिवेटिव के दो रियल रूट हैं क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमा होगी तो डेरिवेटिव जीरो होगा यहाँ मिनिमा होगी तो डेरिवेटिव जीरो होगा तो जो एफ डैश इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे ना तो आएगा तुम्हारा थ्री ए एम स्क् ध्यान से देखना प्लस टू ए माइनस एच और इसको जब जीरो करोगे ना डेरिवेटिव को तो यहां से एम की दो वैल्यू आएगी क्या आएगी एम स्क्र इज इक्वल टू एच माइनस टू ए बाई थ्री बोलो ना बाई थ्री ए तो यहाँ से एम की दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट ऑफ एच माइनस टू ए अपन थ्री ए और ध्यान से देखो नेसेसरी कंडीशन जो आपने डेराइव करी है ये नेसेसरी कंडीशन अगर होल्ड कर रही है इसका मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है इसका मतलब एम की जो दो वैल्यू है दोनों वैल्यूज रियल हैं एक को मैंने प्लस वाले को मैंने अल्फा ले लिया और माइनस वाले को बीटा ले लिया माइनस अल्फा ले लिए प्लस वाले को अल्फा तो माइनस वाला क्या हो गया माइनस अल्फा हो गया तो एम की दो वैल्यू आई मतलब दो ऐसे पॉइंट हैं जहां पर डेरिवेटिव ऑफ दिस डिसमियल विल बी जीरो अब देखो जैसे यहां पर ये ये माइनस अल्फा है और ये अल्फा है जैसे ये क्या है ये माइनस अल्फा है और ये वाला पॉइंट अल्फा है तो अल्फा पर भी डेरिवेटिव जीरो है टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है और माइनस अल्फा पर भी डेरिवेटिव जीरो है अब फर्क क्या है दोनों केस में जब एक रूट रियल है और दो नॉन रियल है तो भी डेरिवेटिव के दो रियल रूट आ रहे हैं और जब एक रूट ये तीनों रूट रियल है तो भी डेरिवेटिव के दो रियल रूट आ रहे हैं मतलब डेरिवेटिव तो दो बार जीरो होना ही चाहिए और वो इन दोनों पॉइंट पे हो रहा है अब दोनों में फर्क ये है कि अगर तीनों रूट रियल है तो देखो अल्फा माइनस अल्फा पर जो फंक्शन का वैल्यू है पॉजिटिव है और अल्फा पर क्या है नेगेटिव मतलब अपोजिट साइन का है और यहां पर दोनों वैल्यूज क्या है सेम साइन की है तो सफिशियंट कंडीशन क्या होती है लिख लो कभी और मैं डिस्कस करूंगा अभी नहीं पहले आप जब कैलकुलस थोड़ा पढ़ लोगे ना उसके बाद डिस्कस करेंगे सफिशियंट कंडीशन क्या है तो सफिशियंट कंडीशन है एफ अल्फा इंटू एफ माइनस अल्फा इज लेस देन जीरो और यहां से एक कंडीशन आएगी वो कंडीशन जो है वो आप अपने आप ट्राई करो अल्फा की वैल्यू देखो ये है और माइनस अल्फा की वैल्यू ये है और एफ एक्स ये है इसी में पुट करना है पुट करके और प्रोडक्ट लेस देन जीरो करोगे तो वहां से एक एच और के में एक रिलेशन आएगा ए एच और के में वो पैराबोलिक टाइप के रिलेशन देखने में लगेगा वो रिलेशन आप डेराइव करके मुझे बताना वो सफिशियंट कंडीशन कभी पूछा नहीं गया जय बहुत रेयरली पूछे जाने के चांसेस हैं बट स्टिल आपको आना चाहिए तो तीनों बातें समझ में आ गई नॉर्मल क्या है को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं और को नॉर्मल पॉइंट्स के ऑर्डिनेट का सम क्या होता है को कॉन्करेंट नॉर्मल के स्लोप का सम जीरो होता है ये सारी बातें समझ में आ गई और नेसेसरी कंडीशन और सफिशंट कंडीशन समझ में आ गई फिर से मैंने बोला जब मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कराऊंगा तो वहां पर इस चीज़ को दोबारा रिवाइज किया जाएगा तो इसलिए अगर अभी थोड़ी दिक्कत है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है जस्ट हाइपेशन

और T3 जो है वो नेगेटिव ऑफ ऑफ होगा ये दूसरी प्रॉपर्टी नॉर्मल की तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कॉन्ट नॉर्मल की ये जो तीन प्रॉपर्टी मैंने बताई तो तीन चार ये प्रॉपर्टी और दो प्रॉपर्टी मिलाकर के पांच छह प्रॉपर्टी नॉर्मल की है जो आपको हंड्रेड परसेंट तैयार होनी चाहिए इसके बाद में कुछ पॉइंट कुछ प्रॉपर्टीज और मैं बता रहा हूँ उसको लिखो ठीक है इसको इसको हटा दो मैं स्लाइड को yes, sir. हाँ बोलो हटा दो सर तो अगली प्रॉपर्टीज आप एक एक प्रॉपर्टी एक एक क्वेश्चन है मान लो ठीक है देयर आर देयर आर एट मोस्ट फोर कौनसाइक्लिक पॉइंट्स ऑन पैराबोला क्वसाइक्लिक पॉइंट्स ऑन पैराबोला पैराबोला पर ज्यादा से ज्यादा चार कॉन्साइक्लिक पॉइंट होंगे एंड ये बात प्रूफ करो ये प्रूफ करने का मतलब हम क्या बोल रहे हैं समझो हम बोल रहे हैं कि कोई सर्कल पैराबोला को ज्यादा से ज्यादा चार जगह पे कट कर सकता है यही बोल रहे ना कि पैराबोला को कोई सर्कल ज्यादा से ज्यादा कितनी जगह पे कट कर सकता है चार पॉइंट पे कट कर सकता है ज्यादा से ज्यादा इस बात को प्रूफ करने के हमारे पास में क्या तरीका है तो तरीका यह है कि आप एक पैराबोला और एक सर्कल को सॉल्व करो सर्कल कोई जनरल ले लो पैराबोला को स्टैंडर्ड ले लो मान लो अपन का पैराबोला है वाई स्केयर इक्वल टू फोर ए एक्स ध्यान से समझो वाइस इक्वल टू फोर ए एक्स ये पैराबोला है और सर्कल अपने ले लिया सर्कल ले लिया मतलब ये पैराबोला को कोई पॉइंट क्या होगा एटी स्केर टू एटी होगा बेटा ठीक है ऐसा कोई पॉइंट ले रहे दिखा दो कि चार वैल्यूज आएंगी एक्स की या वाई की या टी की तो बात खत्म तो बिकॉज ये पॉइंट हमेशा पैराबोला पर है इसको मैंने सर्कल में सेटिस्फाई करा दिया करो जरा तो और बताओ क्या आएगा सर्कल में पुट करो एक्स के जगह एटी स्क्र वाई के जगह टू एटी क्या आएगा बताओ एक्स बिकम्स ए एक स्क्र टी टू दावर फोर अब ये देखो टी में चार डिग्री बन रही है तो तु तु तुम्हारा काम खत्म अच्छा और वाई स्क्र क्या हो जाएगा बोलो वाई स्केयर फोर स्क्वायर टी स्क्र ठीक है तो फोर ए स्केयर टी स्केयर मतलब टी स्केयर का मेरे को मिल रहा है फोर ए स्केयर और क्या मिल रहा है और भी तो आएगा टू जी एक्स क्या आएगा टू जी एक्स के जगह ए टी स्केयर डालोगे तो टू ए जी भी तो आएगा टी स्केयर बोलो हाँ ना यस yes, ये तीन टर्म हो गए अब टू एफ वाई मतलब फोर अरे टू एटी डालो ना वाई की जगह टू एटी डालो तो फोर ए एफ इन टू टी बोलो प्लस सी को डीरो बोलो हाँ यही आ रहा है yes, yes, yes. अच्छा जो आ रहा है इसे हमने क्या बोला इसे देयर फोर देयर एग्जिस्ट फोर वैल्यूज ऑफ टी सो फोर कंसाइक् पॉइंट और वो वैल्यूज क्या है मान लो फोर वैल्यूज ऑफ टी है टी वन टी टू टी थ्री टी फोर तो यह टी वन टी टू टी थ्री टी फोर इसके क्या हो गए रूट हो गए तो समूट क्या बोलो टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर क्या है बोलो जीरो, जीरो सर आ, तो जीरो। जीरो आ finding, ऐसे टी टू इंटू टी थ्री प्लस टी टू इंटू टी फोर और प्लस टी थ्री इंटू टी फोर दो दो रूट के प्रोडक्ट का सम क्या आएगा यहां से बताओ टू ए टाइम्स टू ए प्लस जी डि डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर हाया ना तो ये आ रहा है ए प्लस जी डिवाइडेड बाई टू टाइम्स टू ए प्लस जी डिवाइड बाई ए और तीन तीन रूट के प्रोडक्ट का सब टी वन टी टू टी थ्री प्लस टी वन टी टू टी फोर प्लस टी वन T3, T4 और फिर वन को हटा दो तो T2, T3, T4 चार में से तीन तीन के पेयर बनाएंगे फोर सी थ्री चार पेयर बनेंगे वो चारों के प्रोडक्ट का सम क्या आएगा यहां देखो T का कोई क्या है फोर yes no. yes. ए एफ माइनस माइनस फोर एफ बाई ए स्क्र बोलो यस सर नो यस टी से नीचे यस सर ए आना चाहिए ए आना चाहिए लो भाई ए लग गया और एक और लास्ट पॉइंट चारों रूट का प्रोडक्ट क्या आएगा ये भी बता दो T1 इनटू T2 इनटू T3 इनटू T4 चारों का प्रोडक्ट क्या आएगा C by A square C by A square A square अब यार देखो यहाँ से बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ से आती पहली बात पहली प्रॉपर्टी क्या ह� ये तो आप एक तो हो गया कि ज्यादा से ज्यादा कोई सर्कल पैराबोला को चार जगह कट करेगा इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी नंबर मान लो वन है प्रॉपर्टी नंबर टू क्वसाइक्लिक पॉइंट की सम ऑफ ऑर्डिनेट सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ़ फोर क्वसाइक्लिक पॉइंट वेनिश्स

अब यहीं से एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आती है प्रूफ करने के लिए आप लिखो और प्रूफ करो मैं नहीं बताऊंगा आपको क्या you... सर अस... हाँ बोलो 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 सर कोई वेटिंग रूम में आए ऐड कर लो कौन है ये बिकॉज ही हैज नॉट जॉइंड विद नेम सर क्रिश है ये पहली बार ज्वाइन कर रहा है अच्छा अच्छा ठीक अच्छा। है तो अगली अगली प्रॉपर्टी क्या वो भी ध्यान से देखो समेशन ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ फोर कॉन्साइक्लिक पॉइंट जीरो ये समझ में आ गया यस yes, सर तो अ सर्कल ध्यान से सुनो अ सर्कल पासिंग थ्रू अ सर्कल पासिंग थ्रू थ्री कोनॉर्मल पॉइंट्स थ्री कोनॉर्मल पॉइंट्स ऑफ पैराबोला ऑलवेज पासिसराबोलास पैराबोलाइंट को नॉर्मल पॉइंट के थ्रू एक सर्कल भाई तीन पॉइंट है तो एक ट्राइंगल बना आपको पता है कि हर ट्राइंगल का एक सर्कम सर्कल होता है तो जो सर्कम सर्कल होगा को नॉर्मल पॉइंट का वो सर्कम सर्कल हमेशा पैराबोला के वर्टेक्स से पास करेगा ये कैसे हुआ देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है बहुत सिंपल है है मान लो ये टी वन, टी टू, टी थ्री जो है ना ये, ये टी वन और ये टी टू, और मान लो ये मान लो ये तीनों को नॉर्मल पॉइंट है तीन को नॉर्मल पॉइंट है तो जो तीन को पॉइंट होते हैं उनके बारे में क्या आपने पढ़ा था कि को नॉर्मल पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट का सम जीरो होता है बोलो हाँ तो अगर T1, T2 और T4 फोर को नॉर्मल पॉइंट है को नॉर्मल पॉइंट हैं तो T1, T2 और T4 का सम जीरो होगा और अगर T1, T2, T3 और T4 फोर कौन साइक्लिक है तो हमने अभी क्या देखा कि इन चारों का सम जीरो होगा टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर जीरोना अब yes यहाँ तो दोनों हो रही यहां तो बात हो रही है कि टी वन टी टू टी फोर को नाम और पॉइंट है और वो तीनों पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा है और वो अगर पैरा बोला को टी फोर पर मीट कर रहा है तो ये दोनों ट्रू होगा ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है और ये दोनों ट्रू होने का मतलब क्या है भाई ये दोनों ट्रू होने का मतलब है कि अगर T1, T2 और T4 ये और ये और ये इन तीनों का सम जीरो है तो T3 क्या हो गया जीरो ही आ गया ना तो चार पैरामीटर हैं। बोल रहे हैं कि वो चारों का सम भी जीरो है और कोई तीन का सम जीरो है तो चौथा वाला क्या है वो जीरो हो गया और तो जीरो मतलब क्या है पैरामीटर जीरो मतलब वर्टेक्स इसका मतलब है कि जब कोई सर्कल तीन कॉन्करेंट नॉर्मल पॉइंट से पास करेगा तो वो पैराबोला को एक बार और कट करेगा और वो पॉइंट वर्टेक्स होगा वर्टेक्स से मीट करेगा मतलब तो कट करेगा करें वर्टेक्स पे हो सकता है टच कर रहा हो जो भी रहा हो बट वर्टेक्स से पास करेगा दिस इज फॉर तो ये वाली बात भी समझ में आ गई बोलो हाँ yes, इसके बाद एक चौथा पॉइंट लिख दो और इसका प्रूफ आप मुझे बता दो फोर्थ पॉइंट लिखो फोर्थ पॉइंट है पेयर वाइज कॉड ये लास्ट प्रॉपर्टी है पेयरवाइज कॉड्स ऑप्टेंड बाय ज्वाइनिंग फोर पेयर वाइज कॉर्ड्स ऑप्टेंड बाई ज्वाइनिंग फोर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स मतलब बोल रहे हैं क्या कि अगर चार कॉन्साइक्लिक पॉइंट जो आपको मिल रहे हैं उन चार कॉन्साइक्लिक प्वाइंट को पेयर वाइज ज्वाइन करो मतलब कि जैसे मैंने मान लिया इसको ज्वाइन कर दिया तो एक पेयर ज्वाइन कर दिया तो बचे हुए जो दो पॉइंट्स हैं उनसे जो कॉर्ड है उसको भी ज्वाइन कर दो ये लो भाई मैंने उसको भी ज्वाइन कर दिया तो मेरे को हमेशा दो कॉर्ड्स मिलेंगी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी चार पॉइंट है कोई दो को ज्वाइन करके एक कार्ड मिली तो रिमेनिंग दो को ज्वाइन करके एक और कार्ड मिल गई ये जो कार्ड्स मिल रही हैं ये दोनों कॉर्ड्स एक्सेस ऑफ पैराबोला से सेम एंगल बनाएंगे ऐसा बोला जा रहा है कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा तो इसकी प्रॉपर्टी का क्या स्टेटमेंट है स्टेटमेंट अब मैं लिखने जा रहा हूं समझा तो मैंने दिया अब स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं लिखो देंड बाई ज्वाइनिंग पेयर ऑफ इक्लिक पॉइंट्स कॉर्ड्स ऑप्टेंड बाय ज्वाइनिंग पेयर ऑफ कोसाइक्लिक पॉइंट्स पेयर ऑफ कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स आर ऑलवेज equally inclined to the axis of parabola are always equally inclined to axis of parabola तो ये बात को हमें जस्टिफाई करना है मतलब एक्सेस से दोनों कॉर्ड सेम एंगल बना रही होंगी पहले कॉर्ड एक्सेस से जितना एंगल बना रही होगी दूसरी भी एक्सेस के साथ उतना एंगल बना रही होगी वो अलग बात है कि एक कॉर्ड मतलब कि वो अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है लेकिन एंगल सेम होगा ऐसा बोल रहे अब इसको प्रूफ करना देखो बड़ा आसान है बहुत सिंपल है कैसे प्रूफ करूंगा मैं देखो ध्यान से देखो इफ यू परमिट मी आई एम गोइंग टू remove this thing this is not required for me so this portion I am remove but in some other question this will be useful so तो आपके लिए important है आप note कर चुके होंगे इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ ek second के लिए ठीक है अब मैं जो argument देने जा रहा हूँ ये देखो बहुत सिंपल सा argument है बहुत सिंपल सा ये मान लो ये वाला पॉइंट बेटा ए था मान लो ये पॉइंट बी है मान लो ये पॉइंट सी है और मान लो ये पॉइंट डी है तो what इज स्लोप ऑफ ए डी is इज स्लोप ऑफ ए सी स्लोप ऑफ एसी स्लोप ऑफ कार्ड एसी क्या है तो स्लोप टी थ्री वेरी गुड एंड वट इज स्लोप ऑफ रिमेनिंग कॉर्ड बी डी टू बाय टी टू प्लस टी फोर हाँ या ना यस सर और ये इक्वेशन वन तेरे क्या बोल रहा है इक्वेशन वन क्या बता रहा है इक्वेशन वन बता रहा है कि टी वन और टी थ्री का जो सम है वही हो, वो नेगेटिव ऑफ टी टू प्लस टी फोर होगा बोलो यस सर नो यस सर इसका मतलब है कि इसको मैं लिख सकता हूँ टू बाई माइनस टू बाई टी वन प्लस टी थ्री बोलो ना यस सर अब अगर ये बोल रहे हो इसका मतलब अगर इस स्लोप को मैं बोल रहा हूं एम वन तो ये वाले स्लोप को मैं बोल सकता हूँ माइनस एम वन यस सर यार चलो माइनस एम वन नहीं बोलता मैं एम टू बोल दू एम टू बोल देता हूँ तो ये एम वन और एम टू का सम क्या है बेटा ये बता दो मुझको तुम जीरो और अगर दो स्लोप का सम जीरो है इसका मतलब क्या होता है दो लाइन का स्लोप का समेशन जीरो है इसका मतलब वो दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ में आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगी या इक्वल एंगल बनाएंगी और वाई एक्सिस के साथ भी इक्वल एंगल बनाएंगी अरे एक का स्लोप थीटा है तो दूसरे का पाई माइनस थीटा हो जाएगा ना एक का एंगल मान लो अल्फा है तो दूसरे का एंगल क्या होगा जी सर पाई पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल क्या हो जाएगा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा तभी ना स्लोप ऐड करके जीरो आएगी तो अगर ऐसे वाला एंगल पाई माइनस अल्फा है तो ये वाला एंगल क्या हो गया अल्फा ही तो हो गया इसका बताओ एक्से से दोनों एंगल सेम होगा अच्छा ये कोई भी दो जैसे अगर मैं अगर मैं चाहूं इसको ज्वाइन कर दू इसको और फिर इन दोनों को ज्वाइन करूँ तो भी तो वही आर्ग्यूमेंट होगा बस पेयरिंग चेंज हो जाएगी इसका स्लोप हो जाएगा टू बाई टी वन प्लस टी टू और इसका सुख हो जाएगा टू बाई टी थ्री प्लस टी फोर तो भाई टी वन और टी टू का सम भी तो नेगेटिव ऑफ टी थ्री प्लस टी फोर होगा तो वहां भी होल्ड करेगा तो ये चारों में से कोई भी दो कार्ड को ज्वाइन कर दो मान लो किसी ने बोला कि नहीं मैं तो इसको ज्वाइन करूंगा मैं बोलूंगा भाई कि जिसको पसंद जो पसंद है उसको ज्वाइन कर लो आप कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर में आप कोई से भी दो को ज्वाइन कर लो कोई से भी दो को ज्वाइन कर लो जैसे कि ये लो मैंने बोला कि इसको ज्वाइन कर लो इसको और फिर इधर वाले को ज्वाइन कर लो तो ये भी सेम एंगल तो ये कॉनसाइक्लिक पॉइंट की प्रॉपर्टीज हो गई कॉनसाइक्लिक और को नॉर्मल मिला के भी प्रॉपर्टीज हो गई है ना नॉर्मल की प्रॉपर्टीज हो गई टेंजेंट की प्रॉपर्टीज हो गई कॉर्ड्स की प्रॉपर्टी हो गई फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी हो गई तो पैराबोला में मतलब ऐसा नहीं कि मैंने सारी प्रॉपर्टी आपको करा दी लेकिन मैंने इतनी प्रॉपर्टीज आपको करा दी है कि जय एडवांस में आपको कोई छेड़ नहीं सकता जय एडवांस का कोई भी सवाल इन्हीं प्रॉपर्टीज हो जाएगा इसके अलावा आपको कोई प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी बट स्टिल जब मैं रिविजन कराऊंगा तो कुछ और प्रॉपर्टीज बताऊंगा वो जब कौनिक सेक्शन को एक साथ रिवाइज करेंगे तो कुछ और प्रॉपर्टीज पैराबोला की आएंगी आपके सामने कुछ जो है इलिप्स की कुछ हाइपरबोला की वो उस समय डिस्कस करेंगे अभी उनकी जरूरत नहीं है अभी आप सिर्फ इसी पर बेस करके क्वेश्चन करो ठीक है जी तो प्रॉपर्टीज आर ओवर अब क्वेश्चन और क्वेश्चन ट्राई करो जरा फटाफट जल्दी से अब जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द्वारा इफ द नॉर्मल पासिंग थ्रू दिस प्रॉपर्टी अब ये क्वेश्चन मैंने दिया था पिछली बार आपको करने के लिए है ना और हो सकता है कुछ लोगों ने किया भी हो नॉर्मल का इक्वेशन आपको पता ही है वाई इज इक्व टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब और अगर एच कोमा के से पास करा तो वही वाला इक्वेशन अभी जिसके बारे में बात हो रही थी ए एम क्यूब प्लस टू ए माइनस एच इंटू एम प्लस के जीरो ये इक्वेशन की बात हो रही है अब यहाँ से तीन रूट आएंगे आपने वही सारा एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री की वैल्यू जीरो है और एम वन एम टू प्लस एम टू एम थ्री प्लस एम थ्री एम वन ये दिया हुआ है बोलो टू ए माइनस एच अपने और तीनों का प्रोडक्ट एम वन एम टू और एम थ्री का प्रोडक्ट नेगेटिव के बाई ए है इतनी बात आपको पता है मतलब जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा तो इतनी बात तो आ गई तुरंत लिख दिया अब बात आ रही है क्या क्या पूछ रहे हैं पहला क्वेश्चन पढ़ो पहला पार्ट अगर समेशन ऑफ स्लोप ऑफ टू नॉर्मल इज वन अगर तीन में से दो नॉर्मल की स्लोप का समेशन वन है तो पॉइंट का लोकस क्या होगा तो मान लिया मैंने क्या ए पार्ट के लिए मैंने मान लिया क्या मान लिया मान लिया कि एम एम टू और एम थ्री का सम वन है, लेट। और ये ये तीन पे यूज़ करते हैं चलो तो बेटा एक बात तो तुम्हें तुरंत समझ में आ गया कि एम टू और एम थ्री अगर का स्लोप वन है समेशन वन है तो एम वन क्या हो गया एम वन माइनस वन हो गया और अगर एम वन माइनस वन हो गया तो एम वन इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं इस इक्वेशन को क्योंकि रूट है इसी का yes. तो सर एम वन को इस इक्वेशन इस ए में डाल दो पुट इन इक्वेशन ए जैसे ए में डालोगे तो आएगा तुम्हारा माइनस ए एम वन क्यूब और प्लस एच माइनस टू ए एंड प्लस के इक्वल टू जीरो आ गया H को को लिख दो K को y. तो गए हो गया ये लोकस आ गया इट इज लोकस ऑफ पॉइंट एच कॉमा के आ गया कि अगर दो नॉर्मल के स्लोप का सम अब थ्री आया यहां पर ए की वैल्यू क्या है तो बिकॉज फोर ए तुम्हारा एट है तो A की वैल्यू है तो आप यह भी लिख सकते हो कि एक्स प्लस बट इसके साथ ये भी लिखना है कि एच ग्रेटर देन होना चाहिए रियल नॉर्मल होना होना चाहिए चाहिए ना तो ग्रेटर देन मतलब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन फोर भी होनी चाहिए अदरवाइज ये मीनिंगलेस हो जाए क्योंकि तीन रियल नॉर्मल होने के लिए वो जो पॉइंट है एचकोमा के उसका एक्स कोऑर्डिनेट टू ए से बड़ा होना चाहिए तो एच की वैल्यू एक्स की वैल्यू फोर से बड़ी होनी चाहिए तो ये लोकस आ गया। अब इसी तरह से सी पढ़ो सी सी में क्या बोल रहे हैं सी C C. C में, में बोल रहे हैं कि दो नॉर्मल्स परपेंडिकुलर हैं। तो लोकस क्या होगा तो अगर तीन में से दो नॉर्मल परपेंडिकुलर है मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि ऐसे ऐसा एक पैराबोला है यहाँ से एक नॉर्मल ये हो गया और एक नॉर्मल ऐसा हो गया दो, दोनों नॉर्मल पपेंडिकुलर है और तीसरा नॉर्मल यहाँ से मान लैसे दो उसमें से पपेंडिकुलर है मतलब ये एंगल नाइनटी तो उसके लिए एम मान लो एम टू और एम थ्री का प्रोडक्ट क्या है माइनस वन है लेट तो इससे हमें तुरंत यहाँ पर कुछ मिल रहा है कि नहीं बोलो yes, तो थर्ड से एम